चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, सो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में अब देखिए आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में ये है कि ये एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है और पानी के ऊपर ये एक डिस्क, पानी के ऊपर एक डिस्क फ्लोट कर रही है। ठीक है, पानी के सरफेस के ऊपर एक डिस्क फ्लोट कर रही है, ये लाइट डिस्क है, हल्की, यानी कि इसमें मास नहीं है, और इसके अंदर एक बुलबुला है। ठीक है, एयर बबल। ठीक है, एक मास एम इसके ऊपर अगर हम रख दें, एक मास एम इसमें अगर हम रख दें इसके ऊपर, तो आपको बताना है कि बुलबुले की जो रेडियस है, बुलबुले की जो रेडियस है उसमें कितना फ्रैक्शनल चेंज आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। इफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड इज बी एंड व्हेन अ मास एम इज कैप्ट ऑन पिस्टन पिस्टन या डिस्क, डिस्क हमने लिया है तो डिस्क लिख लेते हैं। ठीक है, व्हेन अ मास एम इज कैप्ट ऑन डिस्क। ठीक है, तो अब आपको बताना है, डिस्क फाइंड द फ्रैक्शनल, फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ द बबल। ये ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ, फर्स्ट टाइम बच्चे जब करते हैं तो उनको हो सकता है टफ लगे। क्वेश्चन क्या है, इसका जो लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड का बल्क मॉडुलस बी है, और एक मास एम इसके ऊपर जब हम रख देंगे तो इसकी रेडियस में क्या फ्रैक्शनल चेंज आएगा, रेडियस में क्या फ्रैक्शनल चेंज आएगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि जब हम बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला देखते हैं, तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला ये है, डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा वी, ये फॉर्मूला है, राइट। और अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो डेल्टा पी है, दिस इज चेंज इन प्रेशर। अब यहाँ पे एक चीज और चाहिए, लाइट डिस्क ऑफ एरिया ए, इसका डिस्क का जो एरिया है वो ए है, ये भी आपको चाहिए होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ जो प्रेशर में चेंज आया वो किसकी वजह से आया, ये जो मास आपने रखा है इसके ऊपर उस मास की वजह से आया, ये जो मास आपने रखा है उसकी वजह से आया। ठीक है, ये जो मास आपने इसके ऊपर रखा उसकी वजह से आया, तो यहाँ मास की वजह से जो वेट आएगा mg, mg डिवाइडेड बाई ए, mg इज द वेट फोर्स डिवाइडेड बाई ए करूंगा तो मुझे डेल्टा पी की वैल्यू मिल जाएगी, डेल्टा पी इंक्रीज इन प्रेशर, और प्रेशर में जो इंक्रीज हुआ वो इसके वेट की वजह से हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसे लिख लेते हैं, डेल्टा वी अपॉन बी और डेल्टा पी अपॉन बी, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद डेल्टा पी की जगह मैं लिख सकता हूँ mg बाई ए, डेल्टा पी की जगह एम जी बाई ए, और ये बी क्या है, बल्क मॉडुलस, एम जी बाई ए और ये बी क्या है, बल्क मॉडुलस। अब ये जो डेल्टा वी अपॉन वी है, डेल्टा वी अपॉन वी है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे समझिए कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम बबल का होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³। तो एरर में आपने पढ़ा होगा कि अगर हमें इसमें फ्रैक्शनल एरर या फ्रैक्शनल चेंज चाहिए तो उसको जब हम लिखेंगे तो ये 4/3 π, दैट्स ए कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है तो 3 आगे आ जाएगा, और ये डेल्टा आर अपॉन आर, ठीक है, डेल्टा आर अपॉन आर ये आ जाएगा, एरर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सो डेल्टा वी अपॉन वी और 3 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर, ये माइनस यहाँ भी लगा सकते हो तो माइनस यहाँ भी आ जाएगा। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है पता है, कि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, ऊपर से जब रखेंगे प्रेशर
प्रेशर बढ़ जाएगा, बबल श्रिंक कर जाएगा, वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ तो रेडियस में भी होगा। तो ये वैल्यू, ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है। तो वॉल्यूम लिखा हमने 4/3 πr³ डेल्टा वी अपॉन वी 3 times डेल्टा आर अपॉन आर। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ सब्सिट्यूट कर देता हूँ तो -3 डेल्टा आर अपॉन आर। आप एक लाइन यहाँ पे लिख भी सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू। तो -3 डेल्टा आर अपॉन आर, ठीक है, -3 डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू ये आ जाएगा mg/Ab, ठीक है, mg/Ab। तो ये आ गया आपका डेल्टा आर अपॉन आर और mg/3 times Ab। माइनस साइन लगा के रखते हैं क्योंकि डिक्रीज इन रेडियस बता है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ द बबल, ये आ गया, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, mg/3 times Ab। बी बल्क मॉडुलस, ए एरिया ऑफ द पिस्टन, एम उसका मास जो हमने रखा था। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लिया हो तो नोट कर लो। ठीक है, अब देखिए इसी में आगे तीसरा जो टाइप है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, दो हो चुके हैं, एक यंग्स मॉड्यूलस जिस पर सबसे ज्यादा सवाल आपको मिलेंगे और आपने देखा था मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए भी है, बल्क मॉड्यूलस पे कम क्वेश्चन आएंगे या आएंगे तो हीट वगैरह जब हम पढ़ेंगे तो हीट में भी क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आपको मैंने कल की क्लास में बताया था गैस के लिए बल्क मॉड्यूलस प्रोसेस डिपेंडेंट होता है और प्रोसेस टू प्रोसेस इसकी वैल्यू अलग आती है। जैसे आपने देखा था आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, इनके लिए वैल्यू अलग अलग आएगी, राइट। जैसे आइसोबारिक के लिए बल्क मॉडुलस क्या होता है, 0, क्यों, क्योंकि बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला था -ΔPV/ΔV, तो डेल्टा पी क्या हो गया, 0 आइसोबारिक में, तो बल्क मॉडुलस 0 हो गया। आइसोकोरिक में 0 यहां रखेंगे तो इनफाइनाइट, और आइसोथर्मल एडियाबेटिक, 4 प्रोसेस तो स्पेसिफिक है ही, इसके अलावा कोई भी जनरल प्रोसेस के लिए अगर आपको बल्क मॉडुलस निकालने के लिए कहा जाए तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, ठीक है। तो अभी हीट में भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि गैस और लिक्विड की डीलिंग वहां ज्यादा होती है, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन इस पे मिलेंगे। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, तीसरा है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये सबसे पहले है क्या, तो ये आपका मैंने आपको बताया था शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेन का रेशियो है, उसी के करस्पॉन्डिंग जो आता है, ठीक है। सो ईटा इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन, ठीक है। तो अब जैसे मैंने डायग्राम वहां बना के आपको समझाया था,
और ये भी जाहिर सी बात है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि टेंजेंशियल स्ट्रेस मेनली कहाँ ऑब्जर्व होता है, कहाँ ऑब्जर्व होता है, सॉलिड्स में, सॉलिड में ही डिफॉर्मेशन होगा, शेप में चेंज आएगा, ठीक है। तो अब ये अगर आप फोर्स लगाते हैं तो ये इस तरह से, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, तो ये डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो फोर्स आपने लगाया F और इसका जो एरिया है, ठीक है, और जो डिफॉर्मेशन है ये हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया था, ये जो शिफ्ट हो गया था ये X, और ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ L है, ये X है, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखते थे, ईटा की वैल्यू को F अपॉन A, टेंजेंशियल स्ट्रेस फोर्स और ये एरिया, और डिवाइडेड बाय x अपॉन l, टेंजेंशियल स्ट्रेन x बाय l, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा आपका यहां से, यहां से अगर आप इसे लिखें तो f इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला तो यही हो गया, f इक्वल्स टू आ जाएगा ईटा a बाय l इनटू x, f इक्वल्स टू ईटा a l बाय x, ठीक है। ये फोर्स का फॉर्मूला एक निकला है, ठीक है। ये सभी जितने भी टाइप हैं इलास्टिसिटी के, आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि टेंजेंशियल स्ट्रेन फ्रैक्शनल चेंज था, फ्रैक्शनल चेंज वॉल्यूम में या लेंथ में, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेस जितने भी टाइप के हैं सभी, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही जो प्रेशर का है, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सभी स्ट्रेस तीन तरह के हमने पढ़े, तीन तरह के, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और अब ये टेंजेंशियल स्ट्रेस, और इसका कुछ होता नहीं यूनिट और डायमेंशन। तो जो ईटा है या वाई है या बीटा है, इन सबका ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल माइनस वन टी माइनस टू, वही जो प्रेशर का होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने का है। इस पे भी एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, अच्छा सवाल, बहुत ज्यादा सवाल इस पे भी नहीं पूछे गए, एक बार बहुत बढ़िया सवाल आईआईटी में आया था, एसएचएम को और इसको एक कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया, बताता हूँ क्या, लेकिन उसके पहले यहाँ पे ये बात चाहे तो आप लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, SI यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी वाई बी और ईटा, तो इन सब की SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर हम बात करें वाई का, बी का और ईटा का, तो सबका वही होता है जो कि प्रेशर का होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, नोट कर लें आप इसको, कर लिया होगा नोट, ठीक है। तो आप देखिए इसमें एक क्वेश्चन जो आईआईटी में आया था, बढ़िया सवाल है, टफ नहीं है, आपको लग रहा हो आईआईटी में तो टफ सवाल होगा, इतना टफ नहीं है,
क्वेश्चन इसमें ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसको समझ लो, पहले मैं समझा देता हूं फिर क्वेश्चन भी हम लिखेंगे। जैसे ये बॉक्स या डब्बा है, आपने इसको ऐसे फोर्स लगाया और उसकी वजह से ये ऐसे टिल्ट हो गया, ऐसे। जब आप फोर्स को हटा देंगे तो ये वापस लौटेगा, तो ऐसे ऐसे हिलेगा इस तरह से। तो आईआईटी में जो क्वेश्चन आया था, पूछा गया था कि जब ये ऐसे ऐसे हिल रहा है तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, ठीक है। और उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इससे आंसर हमारा आ जाएगा तुरंत, ठीक है। तो इसी फिगर को आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, या मैं दोबारा बना देता हूं। ये एक्चुअली जो क्वेश्चन आया था वो क्यूब का आया था, क्यूब क्यूब ऑफ साइड एल एंड मास एम। क्यूब ऑफ साइड एल एंड मास एम, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया कि इसको ऐसे फोर्स लगा के हल्का सा टिल्ट कर दिया, और हल्का सा टिल्ट किया तो ये इस पोजीशन में आ गया ऐसे। जब आप फोर्स हटा लोगे तो ये वापस लौटेगा, है ना। तो अब वापस जब लौटेगा तो ये ऐसे ऐसे हिलेगा इस तरह से। तो इसका टाइम पीरियड बताना था। तो सबसे पहले इसमें ये बात समझने की कि क्या ये ऑसिलेट करेगा, क्या ये SHM करेगा। हाँ करेगा, हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये वापस आके ऐसे ऐसे हिलेगा। तो अगर हम ये प्रूव कर दें, जो ऑलरेडी प्रूव है यहाँ पे, आप देखिए F प्रोपोर्शनल टू माइनस X प्रूव करना है, ऑलरेडी प्रूव है आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो SHM हो जाएगा, और SHM है तो हम वहां से टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, बाकी फिगर है। नीचे का जो सरफेस है ये फिक्स्ड है, ठीक है। इफ ब्लॉक इज स्लाइटली डिस्टॉर्टेड, थोड़ा सा हमने डिस्टॉर्ट कर दिया, डिस्टॉर्टेड बाय फोर्स एफ एंड रिलीज, इट परफॉर्म SHM, ठीक है। ये मैं कह रहा हूं SHM करता है, लेकिन आप प्रूफ भी कर सकते हैं। देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला, इससे ये मैंने इसीलिए नहीं मिटाया, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, इसे तो मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो अब जब आप फोर्स हटा लोगे, ये बाहर वाला फोर्स हटा लोगे, तो जानते हो वापस जो लौट के आएगा वो क्यों लौट के आएगा। ये जो फोर्स है ध्यान रखना, ये वाला फोर्स नहीं है, ये इसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ होगा अंदर। क्योंकि सोचो आपके जैसे घर वगैरह में टीवी फ्रिज के कार्टून होते ना बड़े वाले, उसको कभी कुछ समय के बाद वो ऐसे टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं, आप उसको हल्का सा हिला दो तो ऐसे हिलते रहते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनमें भी कुछ रीस्टोरिंग फोर्स होता है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे छोड़ेंगे वापस आ जाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वो क्यों वापस लौट रहे हैं? रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। थोड़ा हाथ उसको दबाते हैं ना तो थोड़ा सा दबता है फिर रुक जाता है। क्यों रुक रहा है? क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया ना, और एक इसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, वो दोनों बैलेंस हो गए। ज्यादा दबाओगे तो जाहिर सी बात है वो पिछक जाएगा, लेकिन उतना नहीं करना है, इलास्टिसिटी खत्म नहीं करनी उसकी। कार्टन वगैरह होता है ना, जैसे कबाड़ी को दे दोगे तो वो पिचका के ले जाता है, लेकिन हमें उतना नहीं करना है। जैसे कार्टन वगैरह रखा हो, हल्का सा डिस्प्लेस करके डिस्प्लेस कर दो तो वो एक समय जाके रुक जाएगा। तो आपने जो फोर्स लगाया है और उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ होगा, वो दोनों बैलेंस हो गए होंगे, तभी तो रुकेगा। और जैसे ही आपने अपना हटा लिया तो फोर्स वापस लौटा लेगा, कौन सा वाला? जो उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स था। बात आई समझ में? तो ये जो फोर्स है नो डाउट इसके बराबर आएगा, लेकिन ये इसके अंदर वाला फोर्स है। तो अब हम जब सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो सॉल्यूशन में हमें लिखना होगा रीस्टोरिंग फोर्स, जो इसे वापस लाएगा। तो अब यहां समझने की बात यह है कि ये जो फोर्स है रीस्टोरिंग, इसका और एक्स का जो डायरेक्शन होगा ना, वो अपोजिट होगा। आपने कहा वो कैसे? समझो, देखो ये फोर्स नहीं देखना आपको, ये वाला, ये तो मैंने लगाया था। ये फोर्स कौन सा है? रीस्टोरिंग, जो इसके अंदर है। तो फोर्स तो इधर होगा, और आपने जो डिस्प्लेस किया है उसे इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, एक्स इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस,
और इसके अंदर जो फोर्स डेवलप हुआ एफ जो इसके बराबर है, जो मैंने लगाया था मैंने हटा दिया, तो अब ये वाला फोर्स क्या करेगा, इसे वापस लौटा के लाएगा और एफ और एक्स का डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट है इसलिए मैंने क्या लगा लिया माइनस। आप जानते हैं एफ इक्वल्स टू होता है एम ए, मास क्वेश्चन में दिया है एफ, एफ इक्वल्स टू एम ए और ये माइनस ईटा ए बाई एल इंटू एक्स। यहां पे एक चीज गौर करना कि ये जो ए है ये है, और ध्यान से सुनो मेरी बात को, ए है और ये क्यूब है जिसकी साइड एल है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई एल स्क्वायर, यहां पे आप रख सकते हैं एल स्क्वायर, ए की जगह एल स्क्वायर क्यों रखा, क्यूब है ना, तो इसके ऊपर का सरफेस का एरिया एल स्क्वायर आ जाएगा, एक एल से ये कट जाएगा, एक्वल्स टू माइनस ईटा एल बाई एम इंटू एक्स, और ये प्रूव हो गया SHM। आपको याद होगा SHM की कंडीशन ये होती है A प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, देयरफॉर SHM प्रूव हो गया। और ये क्वांटिटी क्या होती है भाई, ये ओमेगा स्क्वायर होता है, आप जानते हो, जो बच्चे SHM पढ़ लिए, मैंने पढ़ाया था उसमें डिटेल में चीजें बताई थी, तो आपको याद होगा कि ये जो टर्म आप देख रहे हैं ये वाला जो टर्म देख रहे हैं इसे हम क्या लिख सकते हैं, A माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ईटा एल बाई एम, तो टाइम पीरियड होता है आप जानते हो 2π/ओमेगा, तो टाइम पीरियड आ गया 2π अंडर रूट एम अपॉन ईटा एल, ठीक है, ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा अंडर रूट ईटा एल बाई एम इक्वल्स टू 2π/ओमेगा, ये आंसर आ गया। कोई भी बात अगर आपको समझ ना आई हो तो आप बता सकते हैं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, एक बार समझ लो, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, मैंने 2-3 बार इस बात को समझाया आपको, ठीक है, कि ये रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ, बाहर वाला फोर्स हटा लिया, और एफ इक्वल्स टू होता है एम ए, यहां पे एरिया जो था, एरिया ऊपर का टॉप का क्यूब है, इसलिए एरिया हो गया लेंथ इनटू लेंथ एल स्क्वायर, वो कट गया, तो ए आ गया, एम को नीचे ले आया एन एल बाई एम, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की, और इसलिए क्या हो गया ये SHM, और यहां से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है A = माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा को कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू ओमेगा की हो गई, टाइम पीरियड होता है T = 2π/ओमेगा, वो वैल्यू रख दी तो अंडर रूट एम बाई एन एल आ जाएगा ईटा एल, ये आंसर आ गया। अच्छा सवाल है, और मैं बता दूं जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, ये मेडिकल में क्वेश्चन आ सकता है, एडवांस में काफी पहले आ चुका है, तो नीट में पूछा जा सकता है, नीट में या जेई में ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लें, कम सवाल आते हैं पर इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता ठीक है। इसी में एक फॉर्मूला है, वैसे तो 11th लेवल पे पढ़ते हैं बच्चे तो वहां पूछा जाता है, पर फिर भी बता देता हूं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन वही आ जाएगा, पूछ लेगा आपसे, तो यहां पे लिखेंगे, हेडिंग है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। आज हम इसे खत्म कर लेंगे इलास्टिसिटी के टॉपिक को, कोशिश करेंगे आज कंप्लीट हो जाए, छोटी छोटी चीजें अब रह गई हैं इसमें, ज्यादा कुछ है नहीं, तो होपफुली कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद सरफेस टेंशन
नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा आपका अगला जो टेस्ट है 22nd को, उसमें फुल मैकेनिक्स अलोंग विद ये आ जाएगा। और अगर ऐसी क्लास हमारी अगर रेगुलर चलती रहेगी, आप लोग अगर कर रहे हैं रेगुलर क्लास, तो मुझे उम्मीद है कि 15 तारीख तक लगभग हम इसको टॉपिक को खत्म कर लेंगे। नीट या जेई के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर संभावना रहती है एक सवाल आने की, जरूरी नहीं आए पर आ सकता है एक सवाल तो। और उसमें भी इलास्टिसिटी मेन टॉपिक रहता है, तो आपको थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा। और जब शीट रेडी हो जाएगी, अभी मेरे पास ओल्ड पुराना असाइनमेंट पड़ा हुआ था, तो नया असाइनमेंट जब रेडी हो जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा। तब तक आप फोकस करिए, अभी जो हमारा AC जो चल रहा है उसके असाइनमेंट आप लगाते रहें, फिर मीनवाइल मैं आपको ये दूंगा। और अभी 2 दिन में शायद वो खत्म हो जाएगा, EMV और AC थोड़ा सा कल शायद खत्म कर लेंगे हम, तो फिर उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसका असाइनमेंट भी रेडी हो रहा है, मैं दे दूंगा, तो आप तब तक कम से कम एटलीस्ट एक लगाते रहें। पुराना वाला असाइनमेंट भी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अपडेट होके, जैसे अब इस बार मैंने बनवाए हैं असाइनमेंट काफ़ी अच्छे हैं, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी बढ़िया है, बैलेंस्ड है, और थ्योरी पे जरूर ध्यान दो, बार बार पढ़िए थ्योरी को, ठीक है, जितना हो सकता है थ्योरी को पढ़िए, ठीक है। अब देखिए, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, एक तार को खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम किसी चीज को, जैसे स्प्रिंग के एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, और फॉर्मूला आप समझ गए होंगे क्या आने वाला है, लेकिन फिर भी जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो जो उसे खींच रहे होते हैं तो उसके अंदर एक KX का फोर्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये KX का फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, और हम इसके अंगेंस्ट में वर्क कर रहे होते हैं, हम इसके अंगेंस्ट में वर्क कर रहे होते हैं। तो जब हम वर्क किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अंगेंस्ट में करते हैं तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, वी आर डूइंग वर्क अंगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में एनर्जी घट जाती है। जैसे स्प्रिंग को छोड़ दोगे तो KX वापस खींच लाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, या ये पेन ऐसे मैं छोड़ दूं तो ये नीचे आएगा, कौन खींच रहा है, mg ग्रेविटी, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। लेकिन ग्रेविटी नीचे है और मैं इसके अपोजिट ऊपर की तरफ लेके जाऊं, तो आई एम डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, यही यहां पे होने जा रहा है। तो इसको आसानी से समझने के लिए हम ऐसा करेंगे कि ये तार है, और तार को फोर्स F लगा के हम खींच रहे हैं। तो इसको आप ज्यादा आसान करना चाहते हो तो आप इसकी जगह एक स्प्रिंग सोच सकते हो, इसका जो K होता है, इसकी वैल्यू YA/L होती है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं फोर्स F लगा के, तो उसमें जो वर्क होता है उसे हम लिखते थे KX dx, याद होगा, और इसको लिमिट डाल देते थे 0 से x। यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे x इसमें एक्सटेंशन है, और उस x को हम यहाँ वायर के केस में डेल्टा l लिखते हुए आए, डेल्टा l खींच दिया जो लेंथ में चेंज हुआ, स्प्रिंग के केस में उसको x लिखते थे, ठीक है, मैं रिलेट कर रहा हूं। अब यहाँ पर आप जब इसे इंटीग्रेट करेंगे, बहुत आसान इंटीग्रेशन है, x dx का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, क्या होगा, x² / 2, ये आ गया, ये w आ गया। अब देखिए, जो W है, मैंने अभी आपको बताया W किसके बराबर होगा, अगर हम स्लोली वर्क करते हैं, आज भी क्लास कल की तरह 8 बजे तक होगी, ये सेशन जैसे ही एंड होगा आपको कंटिन्यू करना है फिर से, ठीक है, क्लास कंटिन्यूअस चलेगी, डेली चलेगी, ऑनलाइन क्लास ये वाली, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा टॉपिक, ठीक है, तो आप कंटिन्यू करें बेहतर है, और अगर आप लोग को लगता है कि मुझे नहीं करना है तो आपका लॉस होगा। W है डेल्टा U, ठीक है, W डेल्टा U, एंड दिस इज हाफ KX², ठीक है। तो जो वर्क हमने किया, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो जो W है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा U, एंड दिस इज इक्वल टू ½ KX², ठीक है, W इक्वल टू डेल्टा U, एंड दिस इज इक्वल टू ½ KX², W इक्वल टू डेल्टा U ½ KX², ठीक है। अब
यहां पे देखिए, और इसको अब मैं यहां पे लिखता हूं, तो U में आप U final minus U initial, U final minus U initial, और ये क्या है zero, U initial क्या है zero, ये और equal to half kx square. अब यहां से बात आता है, शुरू होता है, तो half kx square, ठीक है, kx square को k को हम लिख सकते हैं y a by l, आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं y a by l, और ये आपका इधर x square, y a by l और ये x square, ठीक है. अब इसमें ये इनिशियल जीरो क्यों, क्योंकि वायर शुरू में खिंचा नहीं था, वायर शुरू में खिंचा नहीं था, ठीक है, तो इसलिए मैंने जीरो कर दिया u final. तो ये फॉर्मूला वैसे तो एक आ गया, लेकिन अभी भी ये फॉर्मूला अच्छा सा नहीं है, ठीक है, तो हम इसे अच्छा सा फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि इसको हम स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम के फॉर्म में ला सकते हैं, मॉडिफाई. ये फॉर्मूला तो है, बट अभी इसका लुक बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, तो अब इसके लुक को अच्छा करने के लिए इसमें स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के फॉर्म बना लेते हैं. आप चाहें तो टर्म्स को अरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, टर्म्स को अरेंज कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है या वाई का फॉर्मूला होता है, वाई, सो वाई आपका होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट. तो एक तो यहां पे ऐसा कर लेते हैं, वाई को मैं यहां लिख लेता हूं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वाई को स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ध्यान दीजिएगा. और इधर इसके बाद वाई की जगह लिखा है मैंने एक, ये आपका ए और एक एक्स, ध्यान से सुने, एक ए और एक एक्स साथ में ले लिया और एक एक्स को छोड़ दिया और ये एल है. तो अगर इसको गौर से देखें आप, एक्स बाई एल, एक्स बाई एल में एक्स क्या था, एक्सटेंशन, एक्स क्या था, एक्सटेंशन, यहां पे इसमें एक्सटेंशन, जिसे हम क्या लिखते थे, डेल्टा एल. तो एक्स को मैं डेल्टा एल अपॉन एल, क्या है ये, ध्यान दें तो स्ट्रेन, डेल्टा एल अपॉन एल. वाई को मैंने क्या लिखा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वाई को लिखा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. एक ए इंटू एक्स ले लिया यहां पे, एक ए इंटू एक्स ये मैंने ले लिया, ये ना. और अब यहां अगर हम देखें इसमें, तो ये फॉर्म जो बनेगा, तो एक तो स्ट्रेन से ये चला जाएगा, या इसको स्ट्रेन को ऐसे रख लेते हैं, और इसमें वैल्यू हम एक एल का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है. इसको जैसे वाई को मैंने लिखा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और ये ए इंटू एक्स कर लेते हैं, या फिर एक स्ट्रेन का टर्म और ले आते हैं. इस सबको सिंप्लीफाई जब हम करते हैं, ठीक है, इस सबको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये एक्स भी नहीं, इसमें हमें एल चाहिए, ठीक है, ये एक एल यहां पे, ये जो टर्म है ऐसे कर लेते हैं, ये आपका वाई और ये ए, ठीक है, और ये एक एल और एक एल ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, एक एल ऊपर और नीचे, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है, एक्स अब ठीक है, वाई छोड़ दिया, एल का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर लिया, तो ये ए इंटू एल आ गया. और अब इसमें देखिए, यहां से हाफ ये वाई को मैं लिख सकता हूं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एरिया इंटू लेंथ को मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम, और ये स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर, तो ये स्ट्रेन से ये कट जाएगा, एक्स वाई एल को स्ट्रेन का स्क्वायर कह सकते हैं. तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया. ये कई बार क्वेश्चन, बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा मैं इसको, पर ये कई बार रिलेशन ही पूछ लेता है एग्जाम में, और पढ़ा होगा, ये बहुत कॉमन सा है, यू इक्वल्स टू हाफ स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन और इंटू क्या, वॉल्यूम, ये फॉर्मूला पूछ लेता, ठीक है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, इतना सब यही, तो यहीं से हम जान रहे हैं कि ये पोटेंशियल जी ये है, पर उसी पोटेंशियल जी को हमने इस तरह से एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम.
ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। सबसे जरूरी है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो सबसे पहले। तो अब इसी में एक छोटी सी बात और, कभी कभी एनर्जी डेंसिटी पूछ लेता है, वायर की एनर्जी डेंसिटी, उसका मतलब क्या होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये वॉल्यूम है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे U अपॉन V, ये एनर्जी डेंसिटी कह सकते हो आप इसको। सो एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, यहां से V वॉल्यूम है, यहाँ पे V वॉल्यूम है, सो दैट इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ठीक है, ये आ गया। टाइम खत्म होगा थोड़ी देर में, फिर से आपको कंटिन्यू करना है। थोड़ा सा टॉपिक बचा है और इसे हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आई होप नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसी में एक टर्म है पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा मैंने कहा क्लास 8 बजे तक है तो कंटिन्यू करेंगे, 15 से 20 मिनट का टॉपिक हमारा और बचा है, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो, तो सबसे पहले ये समझ लो कि ये कोई इलास्टिसिटी का टाइप नहीं है, ये कोई इलास्टिसिटी का टाइप नहीं है। इलास्टिसिटी के तो 3 ही टाइप थे जो हमने पीछे पढ़े हैं, 3 ही टाइप थे इलास्टिसिटी के, और ये इलास्टिसिटी का टाइप नहीं है, तो है क्या ये फिर, ठीक है। तो ये 2 तरह के स्ट्रेन का रेशियो है सिग्मा, और 2 तरह के स्ट्रेन है, और सबसे पहले सॉलिड्स के